अन्य मुद्दा ने लेने पर बात करनी छे। अमर्यादित भाषा मुद्दे आखरे नीतीश कुमार ने शरम आवी। बिहारना मुख्यमंत्री छे नीतीश कुमार के जेने माफी मांगी छे। विधानसभा में कहू के हूँ शर्म अनुभवी रहो छू, मारू निवेदन पाछू खेंचू छू, मारी निंदा करनार ने हूँ अभिनंदन पण आपू छू। उसको लेकर के इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापस करते हैं। और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। अरे नीतीश कुमार ना जे निवेदन सामे आव्यु छे तेने लईने पण घणा बधा लोको प्रहार करी रहा छे, तो कोई समर्थन के हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, ये बिहार नहीं देश के महिलाओं का अपमान किए हैं। और बिहार ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री अगर सदन में ऐसा बोलता है तो निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो मानसिक स्वास्थ्य कार्ड जारी करें और अविलंब इस्तीफा दें। इस्तीफा से कम हम लोग नहीं मानेंगे, लोकतंत्र का बलात्कार किए हैं, महिलाओं का अभद्र टिप्पणी करके लोकतंत्र का चीरहरण किए हैं, इसलिए इनको जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तरफ आप पूरे देश के नारी शक्ति का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, उन पढ़ी लिखी लड़कियों का अपमान करते हैं और दूसरे दिन आप आकर के माफी मांगते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपको पागल खाना जाना चाहिए, आप मुख्यमंत्री के चेयर पर रहने के लायक नहीं है, आपको हर हाल में इस्तीफा करके राजगीर चले जाना चाहिए। जिस तरह से कोई बलात्कारी आदमी बलात्कार करके माफी मांगे वही काम आप कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का बलात्कार किए हैं और माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, आपको इस्तीफा करना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक एक मिनट नहीं है, हर हाल में आपको इस्तीफा करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस अभद्र भाषा का उपयोग विधानसभा पटल में किया है निंदनीय है, लोकतंत्र का अपमान किया उन्होंने। नारी जाति देश की शक्ति है, महिला हमारी देश की शक्ति है, जिसको हम देवी की तरह पूजते हैं, ऐसी शक्ति के खिलाफ ऐसे अमर्यादित शब्द जिसको बोलना तो दूर सुनना भी घृणा आती है, ऐसे शब्दों का उपयोग नीतीश कुमार कर एक देश का मुख्यमंत्री कर रहा है, नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मैं बड़ा क्रोधित हूँ इस बयान से एज अ महिला, और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग आईएएस पीसीएस निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं, परंतु इस प्रकार की बात करना वहाँ के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए।